हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी लास्ट वाली वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। गाइस, आज हमारे पास है ये सोडियम मेटल। आप सभी ने तो देखा था जब हमने अपनी पिछली वीडियो में इस सोडियम मेटल को बड़ी सी बोतल के अंदर डाला था, तब कितना बड़ा धमाका हुआ था। मैं सोच रहा था क्यों ना इस सोडियम मेटल के साथ आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो हमारे पास है ये कोक की बोतल, तो मैं सोच रहा था इस सोडियम मेटल को इस कोक की बोतल के अंदर डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये कोक की बोतल पूरी भरी हुई है। हमें इस कोक की बोतल को यहाँ तक आधी करना रहेगा ताकि जब हम इसमें सोडियम मेटल डालेंगे तब ये कोक की बोतल के अंदर आधे तक पहुँच सकें। तो हम इस कोक की बोतल को खोल लेते हैं और फिर इस खाली बर्तन के अंदर इसे आधा करेंगे। थोड़ा और खाली कर देते हैं। जी हाँ, ये आधा खाली हो चुका है। हम इस बोतल के ऊपर का जो ये सील है इसे निकाल देंगे ताकि हमें दिख सके हमारी कोक की बोतल कितनी खाली हो चुकी है। जी, आप देख सकते हो हमने कोक की बोतल को आधा खाली कर दिया है। अब इसके अंदर सोडियम मेटल को डालेंगे और अब हम इन सब चीज़ों को साइड में ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अब डालते हैं। गाइज, आप देख सकते हो क्या हाल कर दिया इसका बोतल का। पूरे बोतल के चिथड़े ही उड़ा दिए थे। ये देखो, यहाँ से पूरा बोतल फट चुका है हमारा। गाइज, काफ़ी ही धमाकेदार आवाज़ थी इसकी, काफ़ी तेज साउंड था इसका, जैसे कोई सुतली बॉम्ब फटा हो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने था ना कितना धमाकेदार, जब हमने सोडियम मेटल को इस कोक की बोतल के अंदर डाला तब कितना धमाकेदार सीन हो गया था। सोडियम मेटल ने हमारी बोतल के तो चिथड़े ही उड़ा दिए थे। इसलिए गाइस, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप घर पर या घर से बाहर कहीं पर भी करने की कोशिश मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और ऐसी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में उस नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। जय हिंद।